दोस्तों गूगल पे का यूपीआई पिन को रीसेट कैसे करें और चेंज कैसे करें, दोनों ट्रिक बताऊंगा। सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। टेक मसाला में आप लोग का फिर से स्वागत है एक नया इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों नॉइस प्रॉब्लम हो सकता है, दिवाली की टाइम है, तो दोस्तों आपको इस वीडियो में सीखने को मिल जाएगा गूगल पे का यूपीआई पिन अगर आप भूल गए हो तो कैसे रीसेट करते हैं, और आपको अगर चेंज करना है यूपीआई पिन तो ये वीडियो खास करके आपके लिए है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं अपना मोबाइल स्क्रीन पर आ गया हूँ, अभी आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा कैसे गूगल पे का यूपीआई पिन अगर आप भूल गए हो तो कैसे रीसेट करते हैं, और अगर आपको यूपीआई पिन चेंज करना है तो कैसे चेंज करें, दोनों ट्रिक ही बताऊंगा। लेकिन इस ट्रिक को सीखने से पहले आप लोग को एक काम करना है, एक स्मॉल सा रिक्वेस्ट है, जो वीडियो आप देख रहे हैं उस वीडियो कर देना है सबसे पहले लाइक, और वीडियो के साइड में देखिए लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर देखिए घंटी आएगा, इसको प्रेस करके ऑल में रखा देना, और उसको यहाँ नीचे चैट पब्लिक में एक प्यारा सा कॉमेंट कर देना, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी नया ट्रिक सीखना आप कॉमेंट में बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है अपना गूगल पे एप्लीकेशन में, गूगल पे एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखिए ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ध्यान से देखना ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको एकदम ऊपर देखिए राइट साइड आपको एक लोगो मिल जाएगा, इस लोगो पे आपको क्लिक करना है। लोगो पे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट, देखिए आपका जो बैंक अकाउंट लिंक है वो यहाँ पर देखिए वन अकाउंट लिंक, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए जो भी बैंक अकाउंट लिंक है वो यहाँ पर शो करेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरा। फिर इस पर आपको प्राइमरी देखिए, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ऐसा इंटरफेस आ जाने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एकदम नीचे देखिए फॉरगॉट यूपीआई पिन। आप अगर अपना यूपीआई पिन अगर भूल गए हो तो भी देखिए फॉरगॉट यूपीआई पिन पे आपको क्लिक करना है, आपको चेंज करना है तो भी यही ट्रिक है। दोस्तों देखिए आपको अगर यूपीआई पिन देखिए आपका गूगल पे का यूपीआई पिन अगर आप भूल गए हो आपको रीसेट करना है तो भी आपको फॉरगॉट यूपीआई पिन पे क्लिक करना है, अगर आपको चेंज करना है यूपीआई पिन को तो भी आपको फॉरगेट यूपीआई पिन पे आपको क्लिक करना है, एक ही ट्रिक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आप जो एटीएम कार्ड यूज़ करते हो, आपका जो बैंक अकाउंट लिंक है वो जो एटीएम कार्ड है उस एटीएम कार्ड के ऊपर ही एकदम लास्ट एटीएम कार्ड का जो नंबर है, ये देखिए लॉन्ग नंबर होता है, उसके एकदम लास्ट जो सिक्स नंबर हो दोस्तों आपके एटीएम कार्ड के एकदम लास्ट जो सिक्स नंबर है यहाँ पर डालना होगा आपको। और देखिए वैलिड अप टू एटीएम कार्ड के ऊपर आपको वैलिड अप टू ऐसा ऑप्शन मिलेगा, आपका एक्सपायर डेट कितना है एटीएम कार्ड का यहाँ पर देखिए वो आपको एटीएम कार्ड के ऊपर देखने को मिल जाए, वो यहाँ पर सबमिट कर देना है। फिर आपको क्या करना है, राइट क्लिक कर देना है, यहाँ नीचे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको आपको क्या आएगा, आपको न्यू यूपीआई पिन, आपका सिक्स डिजिट न्यू यूपीआई पिन, आपको नया यूपीआई पिन डालना होगा। फिर आपको कॉन्फर्म करने के लिए फिर से आपको वही न्यू यूपीआई पिन फिर से डालना होगा, फिर आपका कॉन्फर्म हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, चेंज भी हो जाएगा। आप अगर भूल गए हो तो रीसेट भी हो जाएगा, आपको चेंज करना है तो नया यूपीआई पिन चेंज भी हो जाएगा। तो दोनों ट्रिक ही एक ही है, एक ही प्रोसेस है, आपको फॉरगॉटन मैन जैसा जैसा बोला वैसा करके आपको आपका एटीएम कार्ड का लास्ट जो सिक्स नंबर है यहाँ पर डालना होगा, और उसका वैलिड अप टू वो एटीएम कार्ड के ऊपर ही देखने को मिल जाए, एक्सपायर डेट कितना है वो यहाँ पर डाल देना होगा। फिर इस यहाँ पर राइट क्लिक करना है, देखिए यहाँ पर राइट क्लिक करना है, फिर न्यू यूपीआई पिन डालने को बोल रहेगा, सिक्स डिजिट आपको यूपीआई पिन डालना होगा, फिर से आपको डालने को बोलेगा, वही कॉन्फर्म करने के लिए फिर से डालना होगा, फिर आपको राइट क्लिक कर देना है। फिर आपका देखिए अगर भूल गए हो तो रिसेट हो जाएगा, अगर चेंज करना है तो चेंज हो जाएगा, दोनों एक ही प्रोसेस है, एक ही ट्रिक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ में आ गया है, इंशाल्लाह फिर मिलूंगा अगले नए वीडियो के साथ। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।